नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। विधायक के रिपोर्ट कार्ड में आज हम बात करेंगे चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा सीट की। बीकानेर संभाग की आखिरी छोर में बसा सादुलपुर का राजनीतिक के साथ ऐतिहासिक महत्व है। कहा जाता है कि ये बलिदानों की धरती है। यहाँ के युवा देश सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। पिछले कुछ सालों में सादुलपुर का सियासी गणित बदला है। ओलंपियन कृष्णा पुनिया यहाँ से विधायक है। विधायक के कार्यकाल में क्या सचमुच विकास हुआ है? विकास के दावों की जमीनी पड़ताल के साथ जनता से भी करेंगे हम बात। पहले देखिए रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मनोज शर्मा। आज हम बात करेंगे चूरू जिले की सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र जहां से कृष्णा पुनिया विधायक हैं, आज हम बात करेंगे विधायक के द्वारा करवाए गए विकास कार्यों की। बात होगी उन समस्याओं की जो आमजन से जुड़ी हुई है। बात होगी एमएलए लेड की, कितना एमएलए लेड आया और कितना किन कार्यों के अंदर यहाँ खर्च किया गया। चूरू जिले का सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ के नाम से पहचाना जाता है। शेखावाटी के महाराजा राज सिंह प्रथम के नाम पर इस इलाके का नाम रखा गया था। ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र तमाम विरासत समेटे हुए है। यहाँ के किले, दुर्ग और हवेलियां राजस्थानी शौर्य की कहानी कहती हैं। सादुलपुर ने देश को कई विश्वविख्यात खिलाड़ी दिए हैं। देवेंद्र झाझरिया जैसे कई नामचीन हस्तियां सादुलपुर से आती हैं। 2012 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी कृष्णा पुनिया यहां से विधायक हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कृष्णा पुनिया ने बीएसपी के मनोज न्यांगली को 18,000 से ज्यादा वोटों से हराया। स्थानीय विधायक होने के साथ कृष्णा पुनिया राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष भी हैं। 1962 से अस्तित्व में आई सादुलपुर विधानसभा सीट पर 14 में से 8 बार कांग्रेस, 2 बार बीजेपी, 2 बार निर्दलीय, 1 बार बीएसपी और 1 बार जनता पार्टी से विधायक चुने गए हैं। पिछले 6 चुनाव नतीजों को देखें तो 1998 में बीजेपी से राम सिंह कस्मा विधायक बने, 2000 में निर्दलीय नंदलाल पुनिया विधायक बने, 2003 में भी कांग्रेस से नंदलाल पुनिया ही विधायक बने, 2008 में बीजेपी से कमला कस्मा विधायक बनी, 2013 में बीएसपी से मनोज न्यांगली विधायक बने, 2018 में कांग्रेस से कृष्णा पुनिया विधायक बनी। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में 2,40,000 से ज्यादा मतदाता हैं। वहीं जातिगत आंकड़ों को देखें तो क्षेत्र में जाट वोटर्स की बड़ी तादाद है, लेकिन मूल ओबीसी और अनुसूचित जाति के मतदाता भी चुनावी नतीजों को बदलते रहे हैं। 2008 विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी के मनोज न्यांगली तीसरी शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। फर्स्ट नंबर पे वोट दिए हैं जनता ने, फर्स्ट नंबर पे, और फिर भी यहाँ चिकित्सा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र हैं कहीं कहीं। यहाँ एक विधायिका जी का एक काम दिखा दो आप, एक काम कहीं भी देख लो, नली का देख लो, कोई भी काम देख लो, कोई भी काम नहीं हुआ। बिजली पानी आदि की समस्या बनी हुई है और जो सड़कें हैं वो टूटे हुए हैं। जो भी कार्य हुए हैं ये आप देख रहे हैं, ग्रामीण पथ ये है, जो रोड है सब वो बीजेपी सरकार ने बनाई। जो वाजिब है उनको वो भी नहीं मिल रहा यहाँ पर, और विकास की क्या बात करो, यहाँ सड़क में हाल में आए नहीं यहाँ पर। हरियाणा की सीमा से लगते इस क्षेत्र में अपराध तेजी से बढ़ा है। वहीं पेयजल और पानी निकासी की समस्या बरकरार है। सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र में कई बड़े मुद्दों की गूंज सुनाई देने लगी है। सादुलपुर सीट के प्रमुख चुनावी मुद्दे, बढ़ता अपराध और भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा, रेलवे ओवरब्रिज और रिंग रोड की मांग, क्षेत्र में पेयजल की समस्या बरकरार, पानी निकासी का स्थायी समाधान नहीं, किसानों के लिए नहर का नहीं आना। स्थानीय विधायक कृष्णा पुनिया का दावा है कि उन्होंने शिक्षा, खेल और चिकित्सा क्षेत्र में जमकर विकास किया है, साथ ही 40 साल बनाम 4 साल का नारा भी दिया है। सादुलपुर विधायक का दावा, अंतरराष्ट्रीय सुविधायुक्त खेल स्टेडियम लाए, एथलेटिक्स और कबड्डी एकेडमी का निर्माण, राजकीय चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर बना, महिला कॉलेज और कृषि महाविद्यालय लाए, 47 करोड़ की लागत से पेयजल का समाधान।
अपने क्षेत्र में विकास के काम करना चाहती हूँ, शिक्षा के लिए, खेल के लिए, पेयजल के लिए, सड़कों के लिए, तो वो मैंने वादे किए थे। और इन 5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के आशीर्वाद से बहुत सारी सौगातें विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर को मिली और जिनको लगभग हमने धरातल पर भी उतारा है। सादुलपुर विधानसभा सीट पर पिछले कुछ चुनाव से त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के अलावा बीएसपी भी फाइट में रही है। अब देखना होगा कि विधानसभा क्षेत्र की जनता कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया के दावों पर मुहर लगाती है या एक बार फिर से नए चेहरे को चुनती है। शहर में अब अगर आप देखेंगे गलियों में जाकर, बिना किसी दबेशता के हमने काम करने का, पीछे अगर नगरपालिका का अगर पिछला इतिहास आप देखेंगे तो वोटों के हिसाब से गलियों का काम किया जाता था कि यहाँ कांग्रेस के वोटर हैं यहाँ काम नहीं होगा, यहाँ हमारे वोटर हैं बीजेपी के हैं तो वहाँ होगा, इस तरीके से भेदभाव के साथ काम किया जाता था। पर हमने उस नीति को छोड़कर कि नहीं, कोई भी गली वार्ड अगर सारा साफ सुथरा होगा तो वो शहर में एक अलग संदेश भी देगा और वो अच्छा लगेगा, वहाँ रहने वाले लोगों को भी अच्छा लगेगा। और अगर कोई ऐसी बात हम दवेस्ता से राजनीतिक पूर्ण से छोड़ते हैं तो वो हर आदमी को एक पीड़ा देती है, तो उस पीड़ा को मिटाने का हमने काम किया। बिना किसी भेदभाव की राजनीति हमने करने का काम किया। मेरे पास कोई भी काम आया तो किसी को सिफारिश हमने नहीं रखी, किसी से हमने ये नहीं पूछा, क्योंकि ज़्यादातर जनता में यहाँ शिकायतें थी कि पहले जो नेता थे उन्होंने पूछा हमें वोट दिए कि नहीं दिए, हमें आगे वोट दोगे कि नहीं दोगे, ये जनता द्वारा कही हुई बातें थी। तो हमने उस तरीके की कोई भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि चुना हुआ जनप्रतिनिधि वो हर किसी के लिए हो जाता है और उसके पास हर उस क्षेत्र का हर नागरिक आ सकता है और वो माहौल हमने देने का काम किया। इंफ्रास्ट्रक्चर की 3 चीज मूलभूत होती है, पानी, बिजली और सड़क। सड़कों को छोड़ दिया है, बिजली हमारे ये हालत है, आती है जाती है, आती है जाती है, कभी भी लगातार बिजली नहीं आती, पानी कहीं है नहीं, तो हमारे का क्या विकास होगा। दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अपराध जो है दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। रातों को मोटरसाइकिलों पर लड़के घूमते हैं, कभी किसी को पीटते हैं, कभी को किसी को पीटते हैं, और प्रताड़ित की FIR भी दर्ज नहीं होती, होती है तो मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाता। ये स्थिति इस राजगढ़ के अंदर कानून और व्यवस्था की है। तीसरी बात, आज किसान जो है फसल बीमा योजना के लिए जगह जगह आवाज़ उठा रहा है। लोकसभा में राहुल कस्वामी MP ने कितनी बार इसका मुद्दा उठाया, हमारे चुरू जिले की फसल बीमा योजना की इतनी दुर्गति करी है इन लोग कांग्रेस सरकार ने और बीमा कंपनी ने मिलकर कि आज किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा। अभी हम है सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र के रेलवे स्टेशन के पास में, जहां हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं। जिस तरह विधायक कृष्णा पूनिया है उनके द्वारा विकास के तमाम दावे किए गए, आम लोगों से पूछते हैं कि जो कृष्णा पूनिया है जो विधायक है उनके द्वारा किस तरह के विकास के कार्य किए गए, कौन कौन सी अभी समस्याएं बनी हुई है। जी, सबसे पहले तो मैं News 18 का धन्यवाद करता हूँ जो राजगढ़ में कृष्णा पूनिया के विकास कार्यों के बारे में पूछने के लिए आई है। कृष्णा पूनिया जी ने राजगढ़ तहसील में विकास की गंगा बहा दी है। 4-4 कॉलेज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम, कबड्डी अकादमी, एथलेटिक्स अकादमी, 220 केवी का पावर हाउस, सिद्धमुख को तहसील, सिद्धमुख को पंचायत समिति, सिद्धमुख को कॉलेज और सिद्धमुख में नहर के खालों का निर्माण किया है और चांदगोठी में कृषि विश्वविद्यालय खुलवाया है। विकास कार्य इतने किए हैं कि जिनकी कोई सीमा नहीं है, विकास की मानो गंगा बहा दी है। अगर समस्याओं की बात करें तो अभी क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं बनी हुई है। अभी क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, वो एक बार विधायक कृष्णा पूनिया को मौका मिला तो वो पूरा कर देगी, वो वादा कर लीजिए। इन्होंने बताया कि समस्या केवल पेयजल की है, आप क्या मानते हैं। राजगढ़ में तो समस्या ही समस्या है, जैसे शंखु चौराहे से बढ़ने के बाद कृष्णा जी का विकास दिखता है, हिसार रोड निकल जाओ कृष्णा जी का विकास दिखता है, बैरियल की तरफ चल पड़ो कृष्णा जी का विकास दिखता है, गांव में जाके देखो कृष्णा जी का विकास दिखता है, विकास सिर्फ कागजों में और बातों में हुआ है, कहीं विकास दिखाई नहीं दे रहा है। अभी कौन कौन सी समस्याएं जो बनी हुई है।
हर समस्या है, गाँव में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, समस्या ही समस्या है। इनसे जानते हैं जी क्या कहेंगे विकास कार्यों के बारे में, सादुलपुर विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में। सर कहने को तो कागजों में तो बहुत सारा विकास हुआ है, लेकिन वो सिर्फ फाइलें घूम रही हैं, धरातल पे विकास दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे शहर की सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की, थोड़ी सी बारिश होते ही शहर में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है कि लोगों का घर से निकलना भी मुहाल हो जाता है। इसके अलावा गाँव में बिजली की इतनी मोटी समस्या है, दिन में पता नहीं कितनी बार बिजली कटती है। पानी की सबसे बड़ी समस्या है सर, पानी में कोई पहले से यथोचित प्रबंधन नहीं किए गए और घर घर कनेक्शन का ऑर्डर दे दिया गया। लोगों ने घर घर कनेक्शन तो कर दिए, लेकिन ना ही कोई टंकी बनी हुई है, ना ही कोई और व्यवस्था है, जिसके चलते जो व्यवस्था पहले थी वो भी बिल्कुल चरमरा गई है। आज लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ रहा है। तो अब विकास की चर्चाएं बहुत होती हैं, लेकिन विकास हो कहाँ रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, कुछ एक पार्क है जिनका जीर्णोद्धार किया गया है, वो एक दिख रहा है और अभी चालू भी है, लेकिन जिस उम्मीद के साथ हम इनको लेके आए थे उन उम्मीदों पे पानी फिरता दिख रहा है सर। उम्मीदों पे पानी फिरता बताया इन्होंने, क्या कहेंगे आप, किस तरह की समस्याएं राजगढ़ में, किस तरह के विकास कार्य हुए? विकास कार्य कुछ नहीं है, दिख रहे हैं आपको बता दिया नाजिन बुनियान, समस्या दिख रही है, पानी की समस्या निकलता नहीं है, सब समस्याएं हैं। समस्या बताई जा रही है कि समस्याएं हैं, पानी की समस्या बताई जा रही है, और जानते हैं विकास कार्यों के बारे में, क्या कहेंगे विकास कार्यों के बारे में? विकास कार्य कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है विकास कार्य? कहीं नहीं हुआ, नगण्य के बराबर है। नाम के विकास है, सिर्फ पट्टिकाएं लगी हैं, बोर्ड की होड़े लगी हुई हैं, बोर्ड लगाने की राजनीति चल रही है और कुछ नहीं है। आज बारिश का मौसम है, शहर के अंदर कहीं भी पानी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, और जहां गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में जो सीवर लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए थी आज की तारीख में राजगढ़ के अंदर, वो सीवर लाइन कहाँ है? कागजों में तो सीवर लाइन लिए आए थे, आज तक तो रोड के धरातल पर तो नहीं आए निकल के, और फिर जो नई लाइन डालने की बात कर रहे हैं, वो नई लाइन प्रॉपर तरीके से नहीं डाली जा रही, कोई भी उसका समतलीकरण लेवलिंग नहीं है कहीं भी। गली में लाइन डाल दी, मेन रस्ते पर जो लाइन है वो डाउन है, गली के अंदर लाइन डाल दी वो 2 फुट पर डाल दी, मेन रस्ते पर जो लाइन रही वो 4 फुट की, और पानी कहाँ चढ़ेगा उसमें? आप आइए मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। दावा किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बनाया गया, काफी कॉलेज बनाई गई। देखो स्टेडियम वो कॉलेज बनाई है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है, वो अलग प्रक्रिया है, लेकिन ये धरातल के ऊपर जो जिस दिन आगे उतर जाएगी वो उस दिन मानी की माननी है। मूल भी सुविधा अब आज की तारीख में आप जहां आप मेन रोड पर खड़े हो, यहां ट्रैफिक व्यवस्था देखिए क्या है, कहां है कानून व्यवस्था? मेन रास्ता ये राजगढ़ स्टेशन रोड है, इसके ऊपर आप देखिए आवागमन की रास्ता देखिए, कहां है पुलिस, कहां है प्रशासन? दिन दहाड़े यहां डकैतियां होती हैं, लूट होती हैं, क्या हो रहा है यहां पे? इन्होंने बताया पानी निकासी की समस्या, साथ ही कानून व्यवस्था की बात भी कही है। ये साथी लोग कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ, तो आंखें खोल के देखो, 2 कॉलेज वहां पंचायत समिति के आगे बने हुए हैं, एक का निर्माण चल रहा है, एक बन गया, ये यहाँ से 20 मीटर दूर है गांधी पार्क बन रहा है, देखो बीजेपी वालों ने खड्डे खोद के रख दिए थे, उसमें विधायक विकास करवा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम बन गया वो दिख नहीं रहा है क्या? 8 लेन का ट्रैक बना हुआ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, सिद्धमुख में कॉलेज बन गया, सिद्धमुख में हॉस्पिटल बन गया, वो दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे साथ चलो आप, मैं जो मैंने बताए वो चीजें मैं आपको धरातल पर दिखाऊंगा। धरातल पर दिखाने का दावा कर रहे हैं। मेरी बात सुनो, ये जो गांधी पार्क की बात कर रहे हैं, वहाँ बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर नगर पालिका के समय यहाँ टाउन हॉल के लिए बजट आया था, और उस टाउन हॉल के लिए अंडरग्राउंड खोदा गया था, उसका बजट था, सरकार चेंज हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, और उस टाउन हॉल को यहाँ से कैंसिल करके जो भामाशाह थे, जो 60-40 रेसे के अंदर जिन्होंने यहाँ बजट देने की बात हुई थी, उन्होंने उनका राजनीतिक रूप लेते हुए उसको तहस नहस करते हुए आज उसको कहाँ के कहाँ ले गए, टाउन हॉल कहाँ गए वो पता नहीं। वो जो बोर्ड लगे हुए थे उस टाइम, वो आज भी गांधी पार्क के पास पड़ा हुआ है टाउन हॉल का, कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किया हुआ था, वो आज कह रहे हैं कि बोलिए वो टाउन हॉल कहाँ गया ये बताइए आप। बीजेपी और कांग्रेस ने 70 साल में कोई विकास नहीं किया, न ही इनकी कोई इच्छा शक्ति थी विकास कराने की। कृष्णा पूनिया की दृढ़ इच्छा शक्ति है विकास करवाने की, और इनने इस्ते लाने के अलावा उसके विकास के कार्यों को अगर इस्ते नहीं लाते तो 2019 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम राजगढ़ के बच्चों के लिए तैयार हो जाता। सर जो कॉलेजों की ये बात कर रहे हैं, तो ये तो एक बेरोजगारों की फौज तैयार करने की फैक्ट्रियां बन रही है। जो पहले से जितने आप बेरोजगार आपने पैदा किए, आपने उनको क्या रोजगार दिया? ये मुख्य मुद्दा है सर। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर सबसे जो नीट वाले जो विद्यार्थी थे
इतना बड़ा मुद्दा था सर, उनके साथ इतना भ्रष्टाचार हुआ, हमारी एमएलए महोदय कहीं भी हमें उनकी आवाज उठाती भी दिखाई नहीं दी। जब एक बेरोजगार युवक की आवाज उठाने के लिए हमारा एमएलए आगे नहीं आ सकता तो किस चीज का एमएलए हो। दूसरी बात सर, ये बार बार जो पानी की बिजली, सर मूलभूत मुद्दे तो यही है, बिजली पानी और सड़क, इन तीनों की स्थिति आप देखिए कितनी चरमराई हुई है, और फिर भी अगर ये विकास की बात करते हैं तो या तो ये खुद अंधे हैं या लोगों को अंधा बनाने की कवायद जारी है सर। ये लाइट और पानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर राजगढ़ शहर के अंदर, कहीं पर भी विकास के नाम से कोई मुद्दा नहीं है। ये लोग सब कोई चश्मा चढ़ोगे रखा है, कॉलेजों में कौन जाएगा, बूढ़ा गुजरा चले जाएगा कॉलेज में, कॉलेज में मचाई गया है या बारिश के बाढ़ आ रहा है यहाँ पर। पढ़े लिखे लोग विद्वान बनेंगे तो विद्वान बनेंगे, तो वो विद्वान तो बनेंगे, बच्चे बनेंगे ना, वो 70 साल में नहीं। ये बताओ ये विकास नहीं हो रहा है यहाँ पर, नहीं लाइट की व्यवस्था, नहीं पानी की व्यवस्था, तो पानी बगैर क्या करेगा, कुछ ही नहीं हुआ। वो हुआ वो रोड पाइप लाइन में फोड़ दी वो वाटर वर्क्स वाले, वो अभी उनके तरफ नहीं देखते, उनकी तरफ नहीं देखते, ठीक है। आप सामने भी ढानी होते हैं नंबर वार्ड के अंदर जाके देखो, ठीक है, हर वार्ड के अंदर देखो रोड सब फूटी पड़ी है। विकास अभी बच्चा है, 5 साल का हुआ है, और विधायक कृष्णा पुनिया को मौका दिया तो ये और ज्यादा 10 साल का हो जाएगा अगली बार मौका देने। अगर अगली बार कृष्णा जी को मौका मिला तो इस बच्चे का पता ही नहीं चलेगा कि विकास जी गया कहाँ। समस्याएं तो हैं जी, बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, सभी जगह सड़कें फूटी हुई हैं शहर के अंदर, पानी आता नहीं है, न लाइट की व्यवस्था है। विधायक का दावा है कि काफी विकास कार्य है वो विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर में करवाए गए, दिखाई तो दे नहीं रहा है, और कागजों में हो गया पता नहीं। कागजों में विकास की बात है वो यहाँ कही जा रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? विकास तो नहीं हुआ यहाँ पर, कोई विकास नहीं हुआ है, यही समस्या है, पानी की वैसी समस्या है, यही तारों की है, बिजली के तारों की कोई समस्या। आजादी के बाद ये तार थे वो के वो तार पड़े हैं, लाइट चली जाती है, 5-5 घंटे लाइटें आते नहीं यहाँ पर, रात को टेम्पू चलाते हैं हम लोग, तो रोड का भी हालात है, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ पर। अरे तो कोई विकास कार्य नहीं हुआ, हमारी गुगड़वा ग्राम पंचायत है, इस पंचायत में विधायिका जी ने फर्स्ट नंबर पे वोट दिए हैं जनता ने, फर्स्ट नंबर पे, और फिर भी यहाँ चिकित्सा के लिए उप स्वास्थ्य केंद्र हैं कहीं कहीं, यहाँ एक विधायिका जी का एक काम दिखा दो आप, एक काम कहीं भी देख लो, नली का देख लो, कोई भी काम देख लो, कोई भी काम नहीं हुआ। किस तरह की समस्या है वो गुगलवा गांव में? ये तो बता रहे हैं वो यहाँ का, जैसे बिजली के लिए परेशान है, पानी के लिए भी परेशान है, हर दृष्टि से परेशानी है। और कौन कौन सी समस्या है गांव में? समस्या यही है कि जैसे बता रहे हैं विकास कार्य के लिए भी कुछ नहीं है, जिन्होंने किया कोई विकास कार्य नहीं हुआ, कृष्णा पुनिया जी ने कोई विकास कार्य नहीं किया है। हाँ भर के चले जाए विधायक है और बाकी बावड़ के फिर द्वितीय कौन पूछे क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। किस तरह की समस्याएं बनी हुई है? पानी की और बिजली की, सभी व्यवस्था सड़क से है वो सारी टूटी पड़ी है, खड्डा है, खड्डा हो रहे हैं, बिजली 6 बार काटे, 2 बार चढ़ावे काटे चढ़ावे, यस सब विधायक का काम है ये। क्या बताना चाहेंगे? हम तो ये बोलना चाहते हैं कि पिछली बार जब कृष्णा पुनिया जी विधायक बनी तो इन्होंने किसानों को 2 लाख का ऑफर दिया था, यहाँ पर जितने भी किसान खड़े हुए उनको पूछ लो कि इसके खाते में 2 लाख रुपये आए हैं, इससे जनता ने भ्रमित होकर उनको वोट दे दिया, चलो फिर भी वो विधायक बन गई, लेकिन 5 साल के अंदर गुगलवा पंचायत के अंदर एक भी काम किया हो तो वो आकर बता सकती कि मैंने ये काम किया है। जी जैसा कि पूर्व विधायिका कमला जी कस्मा जी बता रहे हैं कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति वास्तव में नहीं हो रही, बिजली पानी आदि की समस्या बनी हुई है, और जो सड़कें हैं वो टूटे हुए हैं, और जो जिन कार्यों को करने के लिए जो वादे किए थे उनमें से 50% वादे भी पूरे नहीं हो पाए। 50% भी वादे पूरे नहीं हुए, ये बात बताई जा रही, क्या कहेंगे? भाई देख पढ़े लिखे तो आते मत किया, मुझे एक आधी ईट की फौड़ी दिखा दे रही मारे का, मैं तो बोला आराम से क्यों भैया एक ईट लगाइए वो दिखा दो, कहने चाहिए बहुत अच्छा नहीं कर लो साहब। स्टेशन बना, पंचायत बनी, और अभी भी हमारी सोसाइटी अलग बनी है, जो भी कार्य हुए ये आप देख रहे हैं, ग्रामीण पथ ये है, जो रोड है सब वो बीजेपी सरकार ने बनाई, अभी तक कांग्रेस सरकार ने या विधायिका जी ने कोई भी काम इस पंचायत में किया हो तो बता दें, आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या बताना चाहेंगे किस तरह के विकास कार्य हुए? देखो जी यहाँ पर कुछ विकास नहीं हुआ 4.5 साल में, सचिव जो तो जो खाद्य पदार्थ है ना वो पोर्टल भी रोक रखा है इनने, जो वाजिब है उनको वो भी नहीं मिल रहा यहाँ पर, और विकास की क्या बात करो, यहाँ 4.5 साल में आए नहीं यहाँ पर। किस तरह की समस्या आपके गाँव में? हर तरीके की समस्या जी,
खाली वोट दिए थे, बाकी बाद में आए नहीं वहाँ पर, कोई एक काम भी नहीं किया यहाँ पर। तो ये है जो गूगलवा गांव है, उस गूगलवा गांव के ग्रामीण थे जिनका कहना है कि विधायक के द्वारा इस गांव में कोई भी विकास के कार्य है वो नहीं करवाए गए।